आइए अब विचारों की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे संस्थान के ही संत श्री रामेश्वर साहेब जी, आप कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि कभी आपको फुर्सत ही नहीं मिल पाती है। अभी आप जहाँ बैठे हैं सब उन्हीं के देखरेख में ये शेड का निर्माण हुआ है। तो आइए अब आपके बीच हमारे संस्थान के संत श्री रामेश्वर साहेब जी उपस्थित हो रहे हैं। आइए अब उन्हीं से हम लोग सुंदर विचार सुनते हैं। श्री रामेश्वर साहेब जी, करोगे तो कम समय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। उपस्थिति तो कम नहीं है, फिर भी जय जयकारा में कोई दम नहीं है, तो थोड़ा जोर से आप लोग जय जयकारा लगाइए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री साहेब जी मंच पर उपस्थित मुद मंगलमय संत समाज, धर्म सभा में बैठे हुए धर्मानुरागी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, हम लोग 3 दिनों से विद्वानों के, संतों के विचारों से हम लोग लाभ ले रहे हैं। आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन का यह उपसंहार सत्र है। हमने 3 दिनों में क्या पाया और यहाँ से क्या लेकर के जाएंगे? कोई धन दौलत तो लेकर के नहीं जाएंगे, कोई वस्तु नहीं मिलेगी, लेकिन एक ही चीज मिलेगा, जीवन जीने की कला। उस कला को हम जहाँ भी लेकर के जाएंगे, हम अपने को भी सुखी बनाएंगे और दूसरे को सुखी बनाएंगे। परंपरा 2 होती है और हम सब जानते हैं, एक है ईश्वर परंपरा और दूसरा है संत परंपरा। इस बात को कबीर साहब ने भी कहा है, गुरु गोविंद, एक तरफ गुरु हैं एक तरफ गोविंद हैं, भगवान हैं। तो इसमें क्या हमें अंतर लगता है, क्या अंतर है, क्या भेद है? एक है ईश्वर परंपरा और दूसरा है गुरु परंपरा, दोनों में कुछ न कुछ तो भेद है।
कुछ न कुछ अंतर है। इसी बात को लेकर के जो ईश्वरवादी भक्त था, जब यह साखी सुना कबीर साहब का कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागौ पाए, अब बलिहारी गुरु आपनु गोविंदियो बताए, तो उसको बहुत बुरा लगा कि भाई गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं, एक जगह गुरु खड़े हैं, दूसरी जगह भगवान खड़े हैं, ये तो दोनों में ये कह रहे हैं कि गुरु बड़े हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए आप बलिहारी गुरु आपनो, ये तो गुरु की बलिहारी बता रहा है भाई। क्या हमारे भगवान छोटे पड़ गए? अरे भगवान तो सबसे बड़े होते हैं। तो देखिए, जो भगवान के फैक्ट्री में जो निर्माण होता है उसमें अंतर देखिए, और गुरु की फैक्ट्री में जो निर्माण होता है उसको देखिए। भगवान की बनाई ये सृष्टि है, भगवान की बनाई ये सृष्टि है, तो इसमें कैसे कैसे हैं, चोर भी है, बदमाश भी है, डाकू भी है, शराबी भी है, बेविचारी भी है, हत्यारा भी है, मिलावटबाज भी, मिलावट करने वाला भी है, झूठ बोलने वाला भी, माने तमाम अच्छे लोग भी हैं, तमाम दुर्गुण भरे हैं। लेकिन जो गुरु की फैक्ट्री से बनता है, जो गुरु के फैक्ट्री में निर्माण होता है, वहाँ कोई चोर नहीं होता है, वहाँ कोई बदमाश नहीं होता है, वहाँ पर कोई हत्यारा नहीं होता है। अरे संगत कीजिए साधु की, कहा भी गया है, जब साधु की संगति मिलती है, दर्शन मिलता है, सानिध्य मिलता है, तो क्या होता है, चोर भी शरीफ हो जाता है, शराबी शराब छोड़ देता है, जुआड़ी जुआ खेलना छोड़ देता है। कभी संत की फैक्ट्री में कोई चोर डांकू बदमाश नहीं होता है, बल्कि दुर्गुण दुराचार से भरा हुआ जीवन यहाँ आकर के सुधर जाता है। इसीलिए सत्संग को, जिस सत्संग स्थल में हम बैठे हैं उसको परिवर्तन प्रवर्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन प्रवर्तक, यानी हमारे जीवन को बदल देने वाला। यहीं पर आकर के जीवन बदलता है, और बदलता तो है, लेकिन कैसा बदलता है? अच्छा जीवन बदलता है। जीवन तो और जगह भी बदलता है, और भी लोगों और भी सभाओं में बदलता है। आप चोर के सानिध्य में जाइए तो चोर हो जाएंगे, वहां भी आपका जीवन बदल गया। शराबी के सभा में जाइए तो वहां भी आपका जीवन बदल गया, अच्छे हैं लेकिन शराबी बन जाएंगे आप। गलत से गलत लोगों के सभा में जाइए, संघ में जाइए, जीवन तो बदला लेकिन गलत जीवन बदला। लेकिन जब हम इस जगह पर आते हैं तो हमारा जीवन बदलता तो है लेकिन अच्छाई की तरह बदलता है, अच्छे की तरह बदलता है। हमारा जीवन बिगड़ता नहीं है, बनता है, अच्छा हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए सत्संग कहा गया है, सत्संग में आने से गलत लोग का भी जीवन बदल जाता है। आप लोग उंगली माल का नाम सुने होंगे। उंगली माल एक कैसा व्यक्ति था, एक हत्यारा था, चोर था, डाकू था, उसका जीवन कितना गंदा था। उसको अपने जीवन में उन्होंने संकल्प कर रखा था कि मैं 1000 लोगों की हत्या करूंगा, हत्या करके उंगली काट करके माला बना करके पहनूंगा,
इसलिए उसका नाम पड़ गया अंगुली माल, माने जो अंगुली का माला पहरे उसका नाम अंगुली माल। तो एक दो लोगों की उंगली का तो माला बनेगा नहीं। उसने संकल्प किया कि 1000 लोगों की हत्या करूंगा, उंगली को काटूंगा, माला बना करके पहनूंगा। वो एक जंगल में रहता था। महात्मा बुद्ध को उस रास्ते से कहीं जाना हुआ और रास्ता वही था, जंगल से होकर के जा रहा था। महात्मा बुद्ध को लोगों ने समझाया कि महात्मन आप तो साधु संत हैं, आप इस जंगल के रास्ते से न जाइए, इस जंगल के रास्ते में बीच रास्ते में एक अंगुली माल नाम का डाकू रहता है, वो लोगों की हत्या करता है, उंगली काटता है और माला बना करके पहन लेता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं है, वो तो जीवन जो जी चुके थे, डर भय नाम की कोई चीज नहीं थी। संत तो इतने परमार्थी होते हैं कि जान भले चली जाए लेकिन किसी के जीवन सुधर जाए तो कोई प्रवाह नहीं है। महात्मा बुद्ध चल दिए, जाते जाते उस जंगल में पहुंचे जहां उंगली माल नाम का डाकू रहता था। महात्मा बुद्ध के पास जो है हंसता खिलखिलाता हुआ हाथ में फरसा लेकर के आया, जिस फरसे से लोगों की हत्या करता था। महात्मा बुद्ध के सामने आकर के खड़ा हो गया। लोगों ने चूंकि आगाह किया ही था महात्मा बुद्ध को, वो आ ही गया। उसने व्यक्तियों को तो देखा था, लोगों को देखा था, लेकिन इस साधु संत के भेष में अभी तक कोई मिला नहीं था। उसने देखा कि अरे ये तो साधु कोई संत है। उसका दिल पिघल गया, मन पिघल गया। देखिए केवल दर्शन हुआ, महात्मा बुद्ध ने कुछ कहा नहीं, केवल उनका दर्शन हुआ, देख करके उसका मन पिघल गया। उसने कहा महात्मा बुद्ध से कि आप तो एक संत हैं, क्या हमारे बारे में आपको लोगों ने बताया नहीं क्या? महात्मा बुद्ध ने कहा बताया, तो बताया तो आप रुके क्यों नहीं? महात्मा बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं है, अरे तुम क्या कर लोगे? तुम हत्या कर लोगे, यही तो करोगे, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अपना काम करो, हत्या करो, कोई बात नहीं है, लेकिन हत्या करने से पहले मेरी एक आज्ञा है, उसका तुम पालन करो। उंगली माल ने कहा कि बताइए, वो तो संत थे, उनकी आज्ञा थी। महात्मा बुद्ध ने कहा जंगल था ही, एक पेड़ था, कहा कि इस पेड़ की डगाली एक काट करके लाओ। उसके पास काटने का अस्त्र था ही, उसने गया पेड़ की एक डगाली काट करके लाया, महात्मा बुद्ध के सामने रख दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस पेड़ की डगाली को काट करके तो ला दिए, लेकिन इस डगाली को पुनः उस पेड़ में लगा करके आओ। अंगुली माल ने कहा कि मैं तो काट करके तो ला दिया, लेकिन ये लगेगा कैसे? महात्मा बुद्ध ने कहा कि इसे काट सकते हो, किसी को बचा नहीं सकते हो, इस जीवन से क्या लाभ? वहीं उसको दो वचन मिला, 2 मिनट का सानिध्य मिला, महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और वहीं से उसका जीवन बदल गया। देखो एक संत की संगति और 2 वचन इतने बड़े हत्यारे खुखार डाकू का जीवन बदल सकता है। तो आप लोग 3 दिनों से इस संत और महापुरुषों के वाणी से और सानिध्य और दर्शन का सानिध्य से आप लाभ ले रहे हैं, हमारा और आपका जीवन बदलेगा क्यों नहीं, बदल जाएगा। केवल जो सुन रहे हैं उसको आचरण में लाने की आवश्यकता है। और हम 3 दिनों से लाभ ले रहे हैं, हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। हम इसको जीवन जीने का प्रयास करें। जानते हैं जो हम करते हैं वही हमको मिलता है, और जो हम करते हैं स्वयं हमको ही भोगना पड़ता है, उसका जिम्मेदार कोई नहीं होता है और उसको भोगने वाला भी कोई नहीं होता है। एक व्यक्ति था, छोटा सा उदाहरण, एक व्यक्ति था, देखिए कैसे अपने कर्म को अपने करनी को स्वयं भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति था, गांव का था, वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, बीच में एक बाग पड़ा,
आम का बाग था। उस बाग में आम के पेड़ में पके पके फल लगे थे। चूंकि बाग दूर था, व्यक्ति को दूर से पका पका आम दिख गया। व्यक्ति को पका पका आम दिख गया। कौन देखा? आंख ने देखा। न वहां पैर गया, न हाथ गया, न शरीर गया, कुछ नहीं गया, केवल नजर गई, आंख ने देख लिया। ठीक है, अब उसको पाने की ललक हुई कि भाई हमें इस आम को पाना है। तो भाई पैर ने कहा कि चलो हम पहुंचा देते हैं तुमको। पैर से चल करके वो बगीचे के पास गया। पेड़ ने कहा, पेड़ के पास पहुंच गया, अब आम को पाना है। पैर से तो पहुंच गया पेड़ के पास, अब मिलेगा कैसे? हाथ ने कहा कि हम मदद कर देते हैं। उसने एक ईंट उठाया और पेड़ पर दे मारा और पका फल जो है गिर गया। हाथ ने कहा कि चलो हम तो मार के गिरा दिए, चलो हम हाथ से उठा भी लेते हैं। हाथ ने उस आम के फल को उठा लिया। मुख ने कहा कि देखो अब तुम्हारा काम यहां पर समाप्त, अब आगे मेरा काम है। पैर ने वहां तक पहुंचा दिया हाथ, और हाथ ने आम को भाई ले लिया। अब मुख ने कहा कि ठहरो, अब तुम्हारा काम यहां से समाप्त, अब हमारा काम है। मुख ने कहा कि अब हमको खाने दो। मुख ने उस आम को खा लिया। मुख तक आम गया, पेट ने कहा कि सावधान, अब तुम्हारा इतना ही काम है, अब हमारे अंदर आने दो, अब इसको हमारे अंदर आने दो। पेट में आम चला गया, पेट में आम चला गया। वो व्यक्ति बैठ करके खा रहा था, मुख खा रहा था, पेट के अंदर ले जा रहा था, तब तक बगीचे वाला पीछे से आ गया। बगीचा वाला पीछे से आ गया और पीछे से आ करके पीठ पर एक डंडा कस करके मारा। चोट कहाँ लगी? पीठ पर। आंख ने देखा, पैर गया, हाथ ने आम को पकड़ा, मुख ने खाया, पेट में गया, डंडा पड़ा पीठ पर। चोट कहाँ लगी? पीठ पर। दर्द कहाँ हुआ? पेट पर। और आंसू कहाँ से निकला? आंख से। आंसू कहाँ से निकला? आंख से। न पैर को सजा मिली, न पेट को सजा मिली, न मुंह को सजा मिली, न हाथ को सजा मिली। दर्द हुआ पीठ को, आंख से आया आंसू। कौन देखा था? आंख ने। रोया कौन? आंख ने। उसी तरीके से जो हम कर्म करेंगे वो हमको ही मिलेगा। सुख के रूप में मिले, दुख के रूप में मिले, वो हम ही को मिलेगा। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना है, अच्छा जीवन जीना है। अच्छा जीवन, अच्छा कर्म करेंगे तभी अच्छा जीवन जिएंगे, अच्छा विचार रखेंगे तभी अच्छा जीवन जिएंगे। अच्छा जीवन जिएंगे तो हमें सुख और शांति मिलेगा। यही संत जन और गुरुजन हमें बताते हैं जीवन जीने की कला। मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जीवन जीने की कला बताई जाती है, यहीं से जीवन हमारा परिवर्तित होता है। तो मैं कुछ क्षण आप लोगों के बीच निवेदन किया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।